उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा वाल्मीकि जयंती की छुट्टी रद्द कर दी गई है, जिसके चलते वाल्मीकि समाज के लोगों में भारी रोष है। वाल्मीकि समाज के बाबा संगठन से जुड़े लल्ला बाबू द्रविड़ ने रोष प्रकट करते हुए मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा साल में एक ही त्योहार आता है, वह वाल्मीकि जयंती, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस छुट्टी को रद्द कर दिया, जिसके चलते हम अपने भगवान का त्योहार भी तब मनाएंगे जब हम पूरे शहर की गंदगी साफ कर दें और साफ सफाई करने के बाद अपना त्योहार मनाएं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि हम अपने आप को आजाद महसूस करते हैं, लेकिन एक बार फिर से योगी सरकार ने हमें गुलाम और गुलामी वाली जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे पहले के शासनकाल में होता था कि हम दूसरों के घरों की साफ सफाई करने के बाद अपने घर पर आकर अपने भगवान का त्योहार मनाते थे, वैसे ही अब इस सरकार में भी हमें वही सब महसूस रहा है। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ मोदी सरकार और योगी सरकार हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो वहीं हिंदुत्व में वाल्मीकि समाज भी आता है, लेकिन हमारे साथ इस सरकार में नाइंसाफी होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि इसी को लेकर हम 20 तारीख को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजेंगे और अपनी रद्द हुई छुट्टी की वापसी की मांग उठाएंगे। देखिए, वैसे तो ये बहुत बड़ा दुखद बात है कि हम लोगों का वाल्मीकि समाज का एक ही त्यौहार होता है और प्रगट दिवस की छुट्टी सरकार ने कैंसिल कर दी है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि सभी के त्योहारों की, गुरु नानक जयंती की, इस जयंती की, उस जयंती की, लेकिन प्रगट दिवस वाल्मीकि जयंती की छुट्टी रद्द कर दी गई, जिससे एक धार्मिक आघात है वाल्मीकि समाज के ऊपर और थोड़ा रुष्ट भी है कि एक हमारे जो जिनमें हम आस्था रखते हैं उनके जन्म दिवस की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। इससे हमारा पूरे हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के वाल्मीकियों में इसको लेकर रोष है। प्रगट दिवस तो हम मनाते हैं, ये काम भी करते हैं, क्योंकि हर कौम आज़ाद, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हमें जब छुट्टी नहीं दी जाती तो हम आज़ाद नहीं हैं, तो अपना त्यौहार तो मनाएंगे क्योंकि हम उनमें आस्था रखते हैं। दूसरा ये है कि हम फिलहाल में ये ज्ञापन भी देंगे मुख्यमंत्री को कि वो छुट्टी द्वारा हमारी देखो अवकाश प्रदान कर दें और हम देखो त्यौहार अपना खुले रूप से मना सकें। क्या कहना चाहेंगे वाल्मीकि? वाल्मीकि समाज से ये कहेंगे कि मांग करें अपने अपने स्तर से कि वो प्रगट दिवस की छुट्टी की जाए, और मेरा संगठन तो पूरे ही देखो वाल्मीकि भगवान के उस पर चल रहा है और ज्ञापन देगा, और भी संगठन जितने हैं वाल्मीकि के उनसे भी मैं कहूँगा कि प्रगट दिवस की छुट्टी की मांग करें, और वाल्मीकि होने के नाते अपना रोष भी प्रकट करें। गुलामों को गुलाम कैसे बनाया जा सकता है, गुलाम कैसे रहा, उन्हें गुलाम कैसे काम कराया जा सकता है? योगी सरकार ने ये करके दिखा दिया है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने पिछले 4 वर्षों से लगातार मांग करता आया है कि भगवान वाल्मीकि प्रकट सब पर छुट्टी को बहाल किया जाए, लेकिन इस सरकार ने आज तक उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने गुलामों की ज़िंदगी जीने के लिए वाल्मीकि समाज को मजबूर कर दिया है, और आज भी अपने भगवान का त्यौहार मनाने के लिए सबसे पहले हमें झाड़ू लेकर के सड़क पर उतरना पड़ेगा, दुनिया की गंदगी साफ करके आएंगे, इन राजनेताओं के घरों की सफाई करेंगे, उसके बाद में हम अपना त्यौहार मना पाएंगे। ये हमें हजारों साल पहले जो हम लोग गुलाम हुआ करते थे उस गुलामी को याद दिलाया योगी सरकार ने। हम पुनः अनुरोध करते हैं, अगर ये सरकार हिंदुत्व के नाम पे अगर कुछ करना चाहती है तो सबसे पहले हमें हमारी गुलामी से आज़ाद कराए, हमारे भगवान की जो है त्यौहार को हमें पूर्ण रूप से मनाने के लिए हमें स्वतंत्र करे और हमारी छुट्टी बहाल करे, तभी हम मानेंगे कि योगी सरकार पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व को लाने के लिए अग्रसर है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा जय वाल्मीकि।